हेलो दोस्तों, एड गोवा किचन में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है गोवन सड़े चूसड़ी। तो इस चैनल को आज जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये एड गोवा किचन में मैं आपको गोवा के ट्रेडिशनल रेसिपीज, वेज रेसिपीज आपके सामने लाती हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहें। तो अभी शुरुआत करते हैं आज की रेसिपी को। ये है 3 कप ग्रीन पीस जो कि मैंने भिगो के रखे थे रात को पानी में। तो अभी ये पानी मैंने फेंक दिया है इसमें से, और अभी मैं ये कुकर में बॉईल करके लूँगी 3 विसल्स तक। तो अभी जो नेक्स्ट है ये हमें तड़के की तैयारी करनी है। ये गोवन ट्रेडिशनल रेसिपी है चण्याची उसळी। ये कोई फेस्टिव दिन होता है तो ये प्रिपेयर करते हैं, या फिर जनरली भी ये एज अ साइड डिश लोग खाते हैं। तो अभी हम डालेंगे 4 चम्मच तेल कढ़ाई में। ये आप चण्याची उसळी आप चपाती के साथ, रोटी के साथ, या फिर आप राइस के साथ एज अ साइड डिश इसे खा सकते हैं। मैं इस चण्याची पातळ भाजी भी आगे दिखाने वाली हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलेंगे उसके। तो अभी मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ और उसके बाद डालूंगी 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी राई के दाने। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी, 1/2 चम्मच लगभग। देखिए हींग। और अभी मैं इसमें डालूंगी सूखी मिर्च, 1 सूखी मिर्च। आपकी अगर कोई स्पेशल रिकमेंडेशन हो गोवा की रेसिपीज की तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप पे मैं उसके उसके एक उस पर एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो अभी ये टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और अभी मैं इसमें जो ग्रीन पीस मैंने बॉईल करके ली थे वो इसमें अभी डाल रही हूँ, हरा चना। तो ये जो पानी है ये हमको सुखाना है, मतलब ये सूखी सब्जी है तो हमें ये बॉईल करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, लगभग 10 मिनट के लिए। ये पानी मैंने इसलिए नहीं फेंका क्योंकि इससे अच्छा फ्लेवर आता है और न्यूट्रिएंट्स भी इसमें है, इस पानी में जिसमें हमने ये बॉईल किया था, जो ब्रॉथ होता है वो, तो हमें वो फेंकना नहीं है। तो अभी मैं इसमें डालूंगी नमक स्वादानुसार। और अभी इसमें डालूंगी नारियल, लगभग 2 बड़े चम्मच नारियल है वो हमें डालना है। और इसके बाद गुड़ डालूंगी 2 चम्मच बड़े चम्मच। तो मैं मेरे हर वीडियो में कहती हूँ कि गोवा में नारियल और गुड़ के बिना ज़्यादातर रेसिपीज, वेज रेसिपीज नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे नारियल बहुत मिलता है, नारियल के जो पेड़ होते हैं ये यहाँ पे बहुत हैं। तो अभी इसे हमें मिक्स करना है।
और लगभग 8 मिनट के लिए हमें ये कुक करना है। उसके बाद हमारी जो चनेची उसरी है ये रेडी होगी। तो आप इसे चनेची भाजी भी कह सकते हैं, लेकिन गोवा में इसे चनेची उसरी बोलते हैं। ये देखिए, ये अभी हो गई है। तो ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियोस को भी देखें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।